हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, इस वीडियो में बात करेंगे जो सीडैक ने अनाउंस किया था मई 2021 बैच कुछ दिनों पहले। तो उसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एडमिशन बुकलेट आ चुका है गाइज, तो उसके रिलेटेड पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। तो गाइज, इसमें क्या 2021 बैच स्टूडेंट एलिजिबल रहेंगे इस कोर्स के लिए, इसके क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है और एग्ज़ाम कब होगी, एग्ज़ाम सेंटर पर होगी या फिर घर पर ऑनलाइन होगी, फॉर्म्स कब तक ओपन है या फिर कौन से कोर्सेस अवेलेबल है और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सीकेट का सिलेबस क्या है, ये सब डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। तो गाइज़, वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, मैं पूरी डिटेल में आपको समझा दूंगा सब कुछ। तो गाइज़, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैंने पहले भी कई सारे सीडैक के रिलेटेड वीडियोज़ डाले चैनल पर, आप चेकआउट कर सकते हो। तो गाइज़, सीडैक काउंसलिंग सीट एलोकेशन कैसे होते हैं इसमें मैंने समझाया, या फिर आपका भी एग्ज़ाम कुछ 15-20 दिनों में होने वाली है तो उसका सिलेबस, आप प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, मैं इस वीडियो में समझा चुका हूँ, आप जाके देख सकते हो। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते पहले सबसे पहले ओपन कर लेते हैं एडमिशन बुकलेट। गाइस, लोगों ने बताया यहाँ पर ऑनलाइन डिप्लोमा एडमिशन बुकलेट मई 2021 बैच का होने वाला है ये। तो गाइस, इसमें लोगों ने पहला जो ईडैक का बैच था इससे पहले वाला, उसमें 4 ही कोर्सेज अवेलेबल थे। उन लोगों ने अभी 3 कोर्सेज एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, एम्बेडेड, DASSD और DITASS, ये तीनों कोर्सेज को ऐड किया है, क्योंकि कुछ बच्चे एम्बेड का वेट कर रहे थे, तो जो लास्ट फिजिकल बैच कैंसिल हुआ है उसके लिए एम्बेडेड पहले सितंबर बैच में भी नहीं था, तो उन लोगों ने इस बार इंक्लूड कर दिया है। तो गाइज, आगे बढ़ते, कुछ कंटेंट्स दिए इन लोगों ने, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए। गाइज, यहाँ पर इंट्रो है, सीडैक का इंट्रोडक्शन दिया है। आप एडमिशन बुकलेट का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इंट्रो आप पढ़ सकते हो, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। गाइज, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, देख लेते हैं लिस्ट ऑफ सीडैक्स ऑनलाइन डिप्लोमा कोर्सेज, उनकी फीस क्या है और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ओके गाइज, तो गाइज, सीडैक का ये जो कोर्स है ऑनलाइन फुल टाइम कोर्स होने वाला है 600 आवर्स का, और इसका ड्यूरेशन रहेगा 20 वीक्स ड्यूरेशन रहेगा, मतलब लगभग 4.5 मंथ तक चलेगा ये कोर्स। तो गाइज, डेली 6 आवर्स का ऑनलाइन क्लासेस या फिर थ्योरी प्रैक्टिकल्स डेली कंडक्ट किए जाएंगे, और जो ये पूरा कोर्स रहेगा पूरा ऑनलाइन आपको डिलीवर होगा। गाइज, इसके लिए आपको स्टूडेंट के पास लैपटॉप और पीसी होना ज़रूरी है, और एक हाई स्पीड अनइंटरप्टेड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और आपके पास एक वेबकैम और एक माइक्रोफोन होना चाहिए इस कोर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो गाइज, और रही बात जो एम्बेड वालों की, एम्बेड के जो हार्डवेयर किट्स का सेटअप है, ये लास्ट के जो 3-4 वीक्स बचे रहेंगे एम्बेड का कोर्स में भी वो लोग डिलीवर करेंगे फिजिकल मोड में, जैसे कि आपका जो अलोकेटेड ट्रेनिंग सेंटर रहेगा वहाँ पर वो लोग डिलीवर करेंगे। लोगों ने मे भी डाला है, मतलब कंडीशन रहेगी उसके ऊपर की, लाइक अगर कोरोना अगर परमिट करता है या नहीं करता है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा वो लोग फिजिकली लेंगे या नहीं लेंगे। तो गाइस, यहाँ पर देख लेते हैं कोर्स कौन से कोर्स है, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम कितने परसेंटेज चाहिए होते हैं आपको, और आपकी फीस कितनी होने वाली। तो गाइस, डैक के लिए जैसे डैक का सिलेबस, डैक का देख लीजिए कैटेगरी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका कोई भी इंजीनियरिंग हुआ है किसी भी फील्ड में तो आप लोग डैक कर सकते हो। जैसे मेक और सिविल के बंदे सिर्फ डैक ही कर सकते हैं, बाकी कोर्सेज वो लोग नहीं कर सकते। तो इसका मिनिमम क्राइटेरिया 50% है, और उसकी फीस होने वाली है 50,000 प्लस GST। ओके गाइस, बाकी ये DMC का है, इसका भी मिनिमम 50% और 50,000 प्लस GST रहने वाला है। अगर डिप्लोमा इन एडवांस सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इसे करना है, इसमें मिनिमम आपको परसेंटेज चाहिए होते 55%, और इसका भी फीस है 50,000 प्लस GST। और अगर बिग डेटा करना है आपको, DBDA करना है, तो इसके लिए 60,000 प्लस GST फीस है, और इसका मिनिमम क्राइटेरिया 55% रहेगा। और अगर आपको AI करना है, AI के लिए 60% मिनिमम चाहिए होते हैं, और इसकी फीस है 80,000 प्लस GST। बस कैटेगरी 3 में उन लोगों ने एम्बेडेड भी इस बार मेंशन किया, तो एम्बेडेड में भी आपको 55% मिनिमम चाहिए होते हैं, और उसका फीस भी है 50,000 प्लस GST। ओके बस, यहाँ पर इन लोगों ने कुछ कॉन्फ़िगरेशन नीचे एडमिशन बुकलेट में मेंशन किया है, आपका लैपटॉप का क्या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए अगर आपको कोर्स अगर करना है। तो गाइस, अगर सीडैक करना है तो सीडैक के लिए कोई भी एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके लिए, लाइक अगर कोई भी एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और कैंडिडेट हुआ अपीड फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन। ओके, अगर 2021 बैच के जो अभी स्टूडेंट्स हैं वो अगर फाइनल एग्जामिनेशन में अपीयर कर चुके हैं तो उनका भी, वो लोग भी एडमिशन ले सकते हैं प्रोविजनल पे। लाइक उनको सिर्फ एक ही कंडीशन रहेगा कि आपको जो प्रूफ ऑफ पासिंग क्वालिफाइंग डिग्री है वो आपको सबमिट करना होता है सीडैक को 31 जुलाई 2021 से पहले। ओके गाइस, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिया इन लोगों ने, जैसे ये मैंने बताया आपको एम्बेड का कोर्स में भी वो लोग फिजिकल मोड में डिलीवर कर सकते हैं, लास्ट के जो भी आपके थ्री या फोर वीक्स बचेंगे उसमें आपके जो प्रैक्टिकल्स हो कंडक्ट करने के लिए मे भी फिजिकल में आपको ले सकते हैं। बाकी इन लोगों ने यहाँ पर नीचे दिया है कि अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप तुम मेल करके सीडैक को पूछ सकते हो।
गाइस और कैंडिडेट शुड इंश्योर मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके 60% नहीं है तो आप AI कर ही नहीं सकते होगे गाइस। तो आप पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए और उसी कोर्स के लिए अप्लाई करना, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। फिर तो आगे देख लेते हैं हाईलाइट ऑफ सीडैक्स ऑनलाइन डिप्लोमा कोर्स क्या हाईलाइट्स है। 20 वीक्स का फुल कोर्स ऑनलाइन रहेगा, 600 आवर्स इनमें बता दिया आपको। मिनिमम 6 आवर्स डेली चलेगा, थेरी प्लस लैब, और सेशन 6 डेज अ वीक, मतलब एक दिन हॉलीडे हो सकता है। सेंट्रलाइज कोर्स है गाइस अक्रॉस पूरे सेंटर में, फिजिकल मोड में भी डिसाइडेड बाय सीडैक। ओके, तो गाइस जो एंड एग्जाम रहता है सीडैक का वो शायद फिजिकल मोड में हो सकता है या फिर ऑनलाइन, ये सीडैक डिसाइड करेगा बाद में। ओके, एप्टीट्यूड कम्युनिकेशन इंटरव्यू स्किल पे आपके सुधारे जाएंगे, बाकी आप लोग डिटेल में बाद में पढ़ लीजिएगा। इस कॉमन प्लेसमेंट के बारे में देखते हैं। कॉमन जो डिप्लोमा प्लेस हेल्ड ऑनलाइन और फिजिकल मोड, मतलब जो आपके प्लेसमेंट भी रहेंगे जो सीडैक के कोर्स के बाद आपके जो प्लेसमेंट्स रहेंगे वो ऑनलाइन हो सकते हैं या फिर ऑफलाइन हो सकते हैं, ये बाद में आपको सीडैक बता देगा, वो डिसाइड करेगा बाद में। यहाँ पर जो रीजन वाइज इन लोगों ने बताया, बेंगलुरु रीजन में कौन कौन से सेंटर्स आते हैं या फिर पुणे रीजन में कौन कौन से सेंटर्स आते हैं, पुणे पटना दिल्ली ऐसे भी पुणे रीजन में आते हैं। तो गाइस यहाँ पर कुछ कंपनीज इन लोगों ने दिया है कैंपस के लिए, कौन कौन से कंपनीज आती है आप लोग ये बाद में देख लीजिएगा कौन कौन से कंपनीज। सीडैक ट्रेनिंग सेंटर्स के बारे में इन लोगों ने कुछ बताया इधर, ये देखो ट्रेनिंग सेंटर्स ये बाकी सभी कहाँ पर कितने सीट्स अवेलेबल है, जैसे डैक के लिए बहुत सारे सीट्स है हर जगह। बाकी लोगों ने बताया DBDA के लिए कहाँ पर सीट्स अवेलेबल है, आप ये लोग देख सकते हो। सीडैक एंड डिस्क्रिप्शन में चेंज द नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स। ओके गाइस, तो सीडैक ने बोला है कि ये नंबर ऑफ अवेलेबल सीट चेंज हो सकते ड्यू टू सिचुएशन अराइजिंग पैंडेमिक की वजह से, या फिर कोई रिलेवेंट उनके पास रीजन है तो वो लोग सीट्स कम या ज़्यादा उसके ऊपर डिपेंड है, कर सकते उनके ऊपर डिपेंड है गाइस। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देख लेते गाइस सीडैक का जो कॉमन एडमिशन टेस्ट है सीकेट की एग्जाम, तो ये जो एग्जाम है डन थ्रू सीडैक कॉमन एडमिशन कंडक्टेड कंप्यूटराइज मोड फिजिकली एट सीडैक टेस्ट सेंटर्स। ओके, तो घर पर नहीं होने वाला है एग्जाम, आपको सीडैक के सेंटर में जाके देना पड़ेगा। अप्रैल 3 और अप्रैल 4 को एग्जाम रहेगी 2 दिन। तो कैंडिडेट्स हैव टू अप्लाई सीकेट ऑनलाइन, आप जाके अप्लाई कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप जाके वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। जो पेपर एंड सिलेबस के बारे में जानते गाइस, यहाँ पर 2 टेस्ट पेपर रहने वाली है, जैसे सेक्शन ये सेक्शन भी अलग से होता था तो उन लोगों ने उनको कंबाइन करके टेस्ट पेपर 1 दिया है, और उसमें रहेंगे 75 क्वेश्चंस और 90 मिनट्स का वो ड्यूरेशन टाइम ड्यूरेशन रहेगा उसका। और सेक्शन सी सिर्फ वही दे सक मतलब वही लोग देंगे जो एम्बेड करना चाहते, तो सेक्शन सी में 25 क्वेश्चंस होंगे, उस पर उसके लिए 30 मिनट्स अलोकेट किए जाएंगे आपको। ओके, और ईच क्वेश्चन अगर इसको मतलब 4 ऑप्शंस रहेंगे उनके लिए, अगर एक सही आता है तो +3 मार्क्स मिलेंगे, अगर गलत आंसर देते हो तो -1 मार्किंग है, और अगर अटेम्प्ट नहीं करते हो तो 0 मार्क्स मिलेंगे। ओके गाइस, तो मैक्सिमम मार्क्स कोई कैंडिडेट को मिल सकते हैं 225 अगर सभी सही आंसर देते हैं तो। ओके, अभी सिलेबस चेक कर लेते हैं गाइस, इंपॉर्टेंट नोट देख लीजिए। जैसे मैंने बताया कि कैंडिडेट्स मतलब वही है, अगर आपको एम्बेड छोड़ के कोई भी कोर्स करना है तो आपको पेपर A भी देना पड़ेगा टेस्ट पेपर, और कैंडिडेट जो जिनको एम्बेड करने का है वो लोग टेस्ट पेपर C भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर सिलेबस देख लेते गाइस, सिलेबस में A भी लोगों ने बताया है, अगर इसमें से ये जितने भी कोर्स है ये कोर्स करना चाहते हो तो आपको A भी देना है, अगर C कोर्स करना है मतलब जैसे एम्बेड करना है तो आपको C भी देना पड़ेगा, मतलब C टेस्ट पेपर। ओके, तो इसमें सिलेबस देख लीजिए, इंग्लिश क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग कंप्यूटर फंडामेंटल्स ऑपरेटिंग सिस्टम सी डेटा स्ट्रक्चर ओप्स, ये सभी सिलेबस है। इंग्लिश क्वांटिटेटिव रीजनिंग के लिए 35 मार्क्स मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 रहेंगे, और जो मतलब A B में B सेक्शन जो रहेगा उसमें 40 क्वेश्चंस रहेंगे, उसका सिलेबस यहाँ पर देख लीजिएगा। जैसे कंप्यूटर मतलब नेटवर्किंग यहाँ पर नहीं है, लेकिन कंप्यूटर फंडामेंटल में उसके रिलेटेड वो लोग कुछ पूछ सकते हैं तो आप लोग कवर करेंगे तो ठीक रहेगा। तो गाइज सी में देख लीजिए, कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो प्रोसेसर, इसका 25 क्वेश्चंस रहेंगे, 30 मार्क्स का मतलब 30 मिनट का टाइम रहेगा आपके लिए। ओके गाइज, सीकेट शेड्यूल एंड सिटीज देख लेते गाइज। जैसे आप लोगों को फिजिकली देना है तो वो लोग ज़्यादा आपको ट्रैवल करने में ये नहीं करेंगे, लाइक अगर पहले सिर्फ पुणे में होता था ज़्यादातर, तो बाकी सेंटर्स भी आप लोग उन लोगों ने मेंशन किया, आप लोग बता दूंगा मैं। सीकेट फॉर एडमिशन टू द 2021 बैच ऑनलाइन डिप्लोमा कोर्स बी हेल्ड ऑन 3rd और 4th अप्रैल को एग्जाम होने वाला है, ये जो शेड्यूल है टेंटेटिव शेड्यूल उन लोग बताया है। तो गाइस 3rd अप्रैल और 4th अप्रैल को एग्जाम होने वाली है, उसे सेक्शन AB का ये टाइमिंग मॉर्निंग स्लॉट्स दिया है, स्लॉट्स ये आफ्टरनून का स्लॉट मेंशन नहीं किया है, वो लोग बाद में आपको बता देंगे। टिकेट विल बी कंडक्टेड कंप्यूटर में घर पे, मतलब आपको सेंटर पे जाके आपको एग्ज़ाम देना होता है, और कैंडिडेट जब फॉर्म भरता है उसको 3 चॉइसेस सिटीज़ के दिए जाएंगे, वो 3 चॉइसेस डाल सकता है।
तो वंस द मतलब आपने सिटी सेलेक्ट किया तो बाद में आपको वो चेंज नहीं कर सकते हो, अनलेस आपको सीडैक को मेल करके वगैरह कुछ करके बाद में वो लोग चेंज कर सकते हो। यहाँ पर दिया है सिटीज़ वेयर द सीकैट कंडक्टेड, अप्रैल में जो कंडक्ट किया जाएगा, कहाँ कहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा, आप लोग सिटीज़ के नाम देख लीजिएगा, पॉज करके देख सकते हो कौन से सिटीज़ है, और आपको जो मतलब कन्वीनियंट रहेगा कौन सी सिटी, तो वो तीन ऑप्शन तुम डाल सकते हो। अगर बाद में इन लोगों ने नीचे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट दिया है कि सीडैक के ऊपर डिपेंड है, अगर कोई सिटी में ज़्यादा बच्चे अप्लाई नहीं करते, लाइक वहाँ पर कम मतलब कम लोगों ने अप्लाई किया है, या उसकी वजह से या फिर पेंडेमिक की वजह से अगर वो सिटी बंद है या फिर कुछ और चीज़ें हैं उनके पास रिलेवेंट रीजन्स है, तो वो सिटी कैंसिल हो सकती है, उनके ऊपर डिपेंड है। ओके गाइस, बस आगे बढ़ते हैं गाइस, सिकेट की फ़ीस देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सिकेट फीस इज 600 रुपीज़ है सिकेट के एप्लीकेशन फ़ीस की, और जो एग्जामिनेशन आपने फ़ीस अगर एक बार भर दिया तो आपको रिफंड वो नहीं होगा। अगर आपको कुछ भी इश्यूज़ है सीडैक के रिलेटेड तो तुम उनको मेल कर सकते हो इस पे support@cdac.in पे, या फिर उनको 02025503143 पे कॉल करके पूछ सकते हो। ओके गाइस, तो सिकेट के एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे, डेट एंड टाइम वेन्यू आपको सभी एडमिट कार्ड पे मेंशन रहेगा, और कैंडिडेट्स को अगर मतलब जो एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपके आपके पास एक प्रॉपर फोटो आइडेंटिटी और एक प्रूफ होना चाहिए, तभी आप लोग सीडैक का एग्ज़ाम दे सकते हो। ओके, सीडैक की रैंकिंग उन लोगों ने बताया, रैंकिंग जैसे कि रैंकिंग आपके सेक्शन मतलब ए बी टेस्ट पेपर वन और सी अलग से रैंकिंग आएगी, और जो सी सी भी देंगे मतलब टेस्ट पेपर टू देंगे मतलब सी सेक्शन वाला, तो उनका भी रैंकिंग अलग से आएगा। ओके गाइस, ए बी का अलग आएगा, सी का अलग आएगा। ओके, टाई ब्रेकर रूल देख लेते हैं, जैसे अगर एक बंदे को अगर सेम मार्क्स मिल रहे हैं तो उसका क्या रूल है, अगर सेम मार्क्स मिलते हैं तो गाइस आगे डिसाइड होगा नंबर ऑफ़ करेक्ट आंसर्स किसके और नंबर ऑफ़ अटेम्प्टेड क्वेश्चन किसके ज़्यादा है, इसके ऊपर वो लोग आपका रैंक ऊपर नीचे कर सकते हैं, और अगर वो भी सेम है और आपका रैंकिंग भी सेम है तो वो लोग गाइस आप दोनों को सेम रैंक दे देंगे। ओके, एडमिशन ऑफ सीडैक डिप्लोमा कोर्सेज, ये बाकी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काउंसलिंग एंड सीट एलोकेशन प्रोसेस के बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया ऑलरेडी, आप मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पर मैंने डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन किया है, काउंसलिंग कैसे होती है, सीट एलोकेशन प्रोसेस कैसे होता है, इसके लिए बाद में लाइव भी लूँगा, अभी के लिए आप लोग इतना देख लीजिएगा। पेमेंट ऑफ कोर्स, तो गाइस पेमेंट देख लेते हैं, कोर्स की फ़ीस कितनी होने वाली है। ओके, तो कोर्स की फ़ीस जैसे मैंने बताया 50,000, ऊपर मैंने बता दिया कौन से कोर्स की फ़ीस कितनी होने वाली है। इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं, स्टूडेंट ऑफ द कोर्स रिक्वायरिंग स्पेशलाइज हार्डवेयर सच अ, ओके, जो आपको स्पेशलाइज हार्डवेयर किट्स चाहिए होते हैं वो आपको खुद से परचेस करने होंगे, सीडैक कोई भी आपको बोर्ड्स या किट्स प्रोवाइड नहीं करेगा ऑनलाइन डिप्लोमा कोर्स में। इन एडिशनल कोर्स फीस आपको जो स्पेसिफिकेशन सीडैक वाले देंगे उसके हिसाब से आपको परचेस करने होंगे प्रैक्टिकल्स के लिए, उसका कॉस्ट अप टू 10,000 जा सकता है, मोस्टली ये एम्बेडेड के लिए नोट है गाइस, एम्बेडेड के बच्चों के लिए लगता है। ओके, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द कोर्स, ये मैंने आपको वो डिटेल वीडियो में समझाया, आप जाके चेकआउट कर सकते हो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकेंड इंस्टॉलमेंट क्या होता है। कैंसलेशन एंड रिफंड के लिए आपको कुछ भी रिफंड नहीं होगा, एक बार तुमने अगर पेमेंट भर दिया तो रिफंड का कोई यहाँ पर फंडा नहीं है। पेनल्टी ऑन विड्रॉल ऑफ एडमिशन के बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बनाया, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। ओके गाइस, बाकी यहाँ पर टर्म्स एंड इंपॉर्टेंट डेट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये देख लेते, अभी जो 15 मार्च से रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, आप जाके अप्लाई कर सकते हो। तो क्लोज कब होने वाला है, 25 मार्च में क्लोज हो जाएगा, और 31 मार्च और 1 अप्रैल को आपके एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे, और जो एग्ज़ाम होने वाली है वो 3 अप्रैल और 4 अप्रैल को होगी गाइज, और जो अनाउंसमेंट होगा सिकेट रैंक्स का वो 14 अप्रैल को हो जाएगा, और जो ऑनलाइन सेलेक्शन ऑफ द कोर्स सेंटर फर्स्ट काउंसलिंग होगा स्टार्ट, वो 14 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक आपको भरना है आपके जो भी ऑप्शन है। उसके बाद फर्स्ट राउंड का सीट एलोकेशन का 19 अप्रैल को आ जाएगा, उसके बाद आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 10,000 प्लस GST का भरना पड़ेगा जिनको भी सीट एलोकेट हुआ है उनके लिए। 23 अप्रैल तक टाइम रहेगा 5 PM तक, उसके बाद सेकेंड राउंड ऑफ सीट एलोकेशन 25 अप्रैल को होगा, उसके बाद आपका जो सेकेंड राउंड में जिनको सीट मिला वो लोग 27 अप्रैल तक आपको 10,000 प्लस GST भर देना होता है। उसके बाद सेकेंड काउंसलिंग के पहले जो आपको क्वेश्चन डिपॉजिट भरना होता है वो 10,000 प्लस GST आपको 28 से 30 अप्रैल तक भरना है। उसके बाद थर्ड राउंड का सीट एलोकेशन 1 मई को आ जाएगा, आपका बैलेंस फी 4 मई को आपको पे करना है जो भी मतलब बचा हुआ फीस है। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा 4 मई को बच्चों का, उसके बाद कोर्स स्टार्ट हो जाएगी 5 मई को, और 21 सितंबर तक आपके कोर्स चलने वाले हैं, उसके बाद 28 सितंबर से आपके प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी, उसके बाद इंपॉर्टेंट में क्या क्या होने वाला है यहाँ पर उन लोगों ने डिटेल में समझाया है, आप ये लोग बाद में चेक कर सकते हो, इतना कुछ ये नहीं है मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है वीडियो में। ओके गाइस,
तो गाइज आगे बढ़ते, आगे देख लेते क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और बुकलेट में। तो गाइज यहाँ तक तो बस ये मैंने, बाकी थर्ड राउंड फर्स्ट राउंड ये काउंसलिंग में मैंने समझा दिया, आप जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। या फिर सिलेबस मेंशन किया, सिलेबस में आप लोग बाद में टाइम निकाल के अच्छे से देख सकते हो क्या सिलेबस है, और पीजी डिप्लोमा में क्या सिलेबस था, इसमें क्या सिलेबस, आप लोग डिफरेंस पर मैंने एक वीडियो बनाया है डैक के लिए, वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो बाकी कुछ नहीं, यहाँ पर सिलेबस मेंशन किया है इन लोगों ने सब, मतलब सभी कोर्सेज का सिलेबस क्या क्या है। इन लोगों ने सिलेबस थोड़ा सा कम कर दिया, बाकी लास्ट में लैपटॉप और डेस्कटॉप अगर आपके पास है तो उसका क्या, मतलब कॉन्फ़िगरेशंस क्या होने चाहिए, अगर आपको पर्टिकुलर कोर्स करना है तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर उन लोगों ने मेंशन किया है, ये भी आप लोग देख सकते हो। एडमिशन बुकलेट डाउनलोड करने की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी भी अगर वीडियो आपने ग्रो मतलब मेरे चैनल पर चेकआउट नहीं किया है, प्रिपरेशन का वीडियो मैंने बनाया है वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो, देख लीजिएगा कौन से अगर सोर्सेज यूज़ करने हैं। और बाकी अगर आप लोगों ने टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको फाइल सेक्शन में नोट्स मिल जाएंगे, और जल्दी मैं ग्रुप भी ओपन कर दूंगा डिस्कशन के लिए, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। तो गाइस चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ भी। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा जो भी आपके डाउट्स है। तो गाइस चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू गाइस।